आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी मेरे भाई के साथ। शैंकी बेटा, आप हमें बहुत पसंद आए। ऊपर से इतना बड़ा घर खुद से बनाना बहुत बड़ी बात है। पापा जी सॉरी, अंकल जी, इंसान अगर मेहनत करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा, होने वाले जीजा जी। आप लोग बैठिए, मैं देख के आता हूँ। माया आंटी, अरे ये तो हरिद्वार गई थी, यहाँ कैसे आ गई? आंटी जी नमस्ते, आप तो हरिद्वार गई थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे हरिद्वार में डुबकी लगाने में टाइम लगता है, डुबकी लगाई अगली गाड़ी से आ गई। ये सब बातें छोड़, तू ही बता इस महीने का किराया कहाँ है? किराया? आंटी जी हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आपको किराया कैसे दे? आप कहो तो मैं अपनी किडनी बेच के आपको किराया दे देता हूँ। ओहो, पहले बताते। चल कोई बात नहीं, तुम लोग मुंह हाथ धो लो, मैं तुम लोग के लिए खाना बनाती हूँ। ठीक है आंटी जी, ठीक है। कुछ लीजिए ना अंकल जी, आप लोग तो कुछ खाएंगे। अंदर से आवाज किसकी आ रही है? टीवी चल रहा है, टीवी की आवाज आंटी जी। अरे लुच्चो, टीवी है कहाँ तुम पे? हट मेरे को। अरे हट तो, अरे आंटी, अरे अब अरे आंटी कहाँ जा रही हो आप, उधर चलो। अरे रुक, क्यों मेरे से कह रहा है? खाने के पैसे नहीं है, यहाँ दावत चल रही है। बेटा शैंकी, ये कौन है? आंटी। ओ जड़े चमन, तू बता तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? आंटी आपको फिर से दौरे पड़ गए। आंटी को दौरे पड़ गए, दौरे पड़ गए आंटी को। लक्की आंटी को दौरे पड़ गए भाई। संभाल, आंटी को दौरे पड़ रहे, आंटी को दौरे पड़ रहे, आंटी को फिर से लगने लगेगा कि ये इनका घर है। अरे चुप, इतना मारूंगी तुम दोनों को ना कि तुम दोनों को दौरे पड़ जाएंगे। ये मेरा ही घर है। इनका घर? हाँ आंटी आपका ही घर है। लक्की आंटी को दवाई दे देना जाके। हाँ आंटी, आंटी आओ आपको मैं दवाई देता हूँ, आजो आजो। कौन सी दवाई की बात कर रहा है? समझने की कोशिश करो, तुम्हें दौरे पड़ रहे हैं। दौरे पड़ रहे हैं आंटी, बात तो करने दे पहले। मेरी बात तो सुनो। कौन है ये लोग? आंटी जी लड़की वाले सैंकी को देखने आए। अरे तो देख लेना, ये तेरा घर मेरा घर क्या लगा रखा है? वो आंटी जी क्या है ना, शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता ही है, तो हमने गलती से बोल दिया कि ये घर हमारा है। शैंकी बेटा कौन थी ये? काम वाली, हमारे यहाँ काम करती है ना, काम वाली है। वो थोड़ी बुजुर्ग है ना, तो हम आंटी कह के बोलते हैं। लेकिन बेटा ऐसी पागल काम वाली को घर में रखने की क्या जरूरत थी? हाँ मजबूरी अंकल जी, मजबूरी। आंटी के जो हस्बैंड थे अंकल जी, वो अपनी जवानी में ही गुजर गए। उसके बाद आंटी अकेली हो गई, छोटा सा बेटा था इनका, इन्होंने उसे पाला पोसा, बड़ा किया, शादी कर दी। लेकिन इनकी बहू ने इन्हें जलाने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? फिर क्या, माचिस गीली थी, बच गई। लेकिन उसकी बहू ने इन्हें घर से निकाल दिया और ये बेचारी दर दर सड़कों पर भीख मांगती हुई फिरती रही। फिर एक दिन मुझे और लक्की को दिखाई दे गई, हमसे इनका दुख देखा नहीं गया, हम इन्हें यहाँ ले आए और काम पे रख लिया। अरे झूठ की बुनियाद पर रिश्ते नहीं टिकते, नरक में जाओगे तुम लोग। आंटी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जिस झूठ से किसी का घर बस जाए वो झूठ झूठ नहीं होता। क्या हम तुम्हारे बच्चे नहीं है? आप नहीं चाहती हमारा घर बसे? इस घर में बहू आए जो आपकी सेवा करे, नहीं चाहती आप ऐसा? मैं भी मना कर देता हूँ। चुप हो जा, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और मेरे सारे पौधे सुखा दिए, पानी तक नहीं दिया। मैं देता हूँ ना अभी पानी, जैसे ये जाएंगे। रहने दे, मैं खुद दे दूंगी। वाह बेटा वाह, आज के जमाने में ऐसे बच्चे, अब मुझे पता चल गया है मेरी बेटी यहाँ बहुत सुखी रहेगी। भाई मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे भी मंजूर अंकल जी। हाँ मुझे भी जीजा जी पसंद है। तो फिर कुछ लेन देन की बात कर ले। ठीक है बेटा, फिर मैं पंडित जी से बात करके शादी की डेट फाइनल करता हूँ। जी अंकल जी। बहन जी, बहन जी, मुझे ये जानकर बहुत तकलीफ हुई कि आपकी बहू ने आपको जलाने की कोशिश की और आपको भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरे होने वाले दामाद जी आपका पूरा ध्यान रख रहे हैं। अरे ये क्या बोल दिया तूने इनसे? अरे उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने कहानी बना दी। कौन सी भी? कैसी सास बहू? क्या बकवास कर रहे हो? लगता है आंटी को फिर से दौरे पड़ गए। चुप कर, मुझे कोई दौरा वाला नहीं पड़ा, बस बहुत हो गया झूठ। अरे ये दोनों नालायक तुमसे झूठ बोल रहे हैं, मेरे किराएदार हैं ये, और तुम लोग भी अभी यहाँ से निकलो नहीं तो मार मार के मोर बना दूंगी। अंकल जी दौरा पड़ा, दौरा दौरा पड़ गया ना, मैं बताती हूँ तुझे। तुम लोगों ने जिंदगी हराम कर रखी है नालायक को।
पापा ये होने वाले जीजाजी तो 400 फीट के। अच्छा हुआ बेटा ये सब पहले पता चल गया, वरना तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देते ये लोग। लगता है सूकार बुढ़िया को सच में दौरे पड़ गए। इससे पहले हम पे डूब पड़े। भागो भागो पापा भागो। चल चल भागो।